YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि आपको इस गिरावट में बाय करना चाहिए। जब भी गिरावट में मौका मिले अभी ब्लू चिप शेयर को बाय कीजिए। अभी जो मार्केट है हमारा ऑल टाइम हाई पे, हर करेक्शन पे आप इन ब्लू चिप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। और जब भी मार्केट रैली करने के बाद रिवर्स होना स्टार्ट करे, गिरने का स्टार्टिंग करे, उस समय आपको सेल करना है। तो अभी जैसे गिरावट के बाद रिवर्सल होगा तो बाय करते जाना है। तो उसमें जो सबसे पहला शेयर है HDFC, काफी बेहतरीन फंडामेंटल्स कंपनी का। और देखिए यहाँ पर चार्ट पे काफी ज्यादा गिरावट मिल रहा है, ये 3000 इसका हाई है और मात्र ये 2527 रुपीज पे ये स्टॉक्स उपलब्ध है। और देखिए अच्छा खासा आज गिरावट देखने मिला है, कल भी थोड़ा बहुत ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, यहाँ पे ये लगभग सपोर्ट के आसपास कल ये आ जाएगा। तो आप यहाँ पर सपोर्ट के पास इसे बाय कर सकते हैं, हर गिरावट में बाय करना है। जैसे आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेना है तो 20 क्वांटिटी आप कल ले सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पर और ज्यादा गिरावट दिखाता है तो गिरावट में इसको एवरेज करना है, और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर में एवरेज करेंगे। और यहाँ पर टारगेट लेकर चलेंगे, पहला हमारा होगा 2750 रुपये का, उसके बाद जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो होगा 2875 रुपये का, और जो हमारा ऑल टाइम हाई है अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है 3020 रुपये के ऊपर तो निश्चित रूप से यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने मिलेगा। क्योंकि ये जो डिप्थ है ये 600 रुपये का है तो लगभग 3500 तक देखने मिलेगा, लेकिन उसमें आपको 6 महीने से 1 ईयर भी लग सकता है। तो वो एक लंबा प्रोसेस होगा कि हम ब्रेकआउट के बाद जो है इसमें अच्छी खासी तेज देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप गिरावट में बाय कर सकते हैं और सेल ऑन राइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल ऑन राइज करना है तो इसमें जो आपको टारगेट रखना है वो 2750 रुपये का रखना है। यहाँ पर गिरावट में जो आप बाय करेंगे स्टॉप लॉस काफी यहाँ पर छोटा हो जाएगा अगर आप हैवी क्वांटिटी बाय करते हैं तो। लेकिन कभी भी एक ही बार हैवी क्वांटिटी नहीं बाय करना चाहिए, ऐसे फंडामेंटली जो सॉलिड शेयर्स है जिसमें कोई बड़ी करेक्शन तो हो नहीं सकती गिरावट, बस छोटे छोटे हमें करेक्शन इसमें देखने मिलेगा। तो छोटे छोटे करेक्शन पे हमें छोटी छोटी क्वांटिटी लेना है और फिर सेल ऑन राइज करना है। तो काफी बेहतरीन, काफी फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स है, आप इसको बाय करके चल सकते हैं। फिर जो यहाँ पर हमारा दूसरा शेयर है वो भी HDFC ग्रुप का ही है, वो HDFC लाइफ। देखिए इसमें हमारा जो है हमेशा ये ड्रॉ रहता है, ये इस ट्रेंड लाइन को अभी ये फॉलो कर रहा है, जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं, चल सकते हैं। इस बार देखिए ये ट्रेंड लाइन को ये टच भी नहीं किया और ऊपर जाने लगा, तो यहाँ पर गिरावट में फिर से एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये एक बुलिश मोरोबोज कैंडल बनाया था, बुलिश मोरोबोज का मतलब होता है कि ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो अगर ये इस कैंडल को ब्रेक कर देता है इसके लो को तो हमें काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट देखने मिल सकता है। अगर नहीं इस लो को ब्रेक करता है इस मोरोबोज कैंडल के लो को तो हम यहाँ पर बाय करके चलेंगे हर गिरावट में, क्योंकि आज जो गिरावट हुआ वो मार्केट के साथ गिरावट हुआ, आज पूरे मार्केट में गिरावट था इसलिए इस स्टॉक में भी देखने मिला। तो जैसे मार्केट का करेक्शन खत्म होता है फिर से हमें इसमें भी रैली देखने मिल सकता है, आप इस स्टॉक को भी बाय करके चल सकते हैं। 620 के नीचे आप इसका जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे, जनरली आपको 615 के नीचे रखना है स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर आप बाय करके चल सकते हैं, टारगेट जो होगा सबसे पहला 675 रुपए के लेके चलना है टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए ये ऐसे फंडामेंटली सॉलिड सारे के सारे शेयर्स हैं जिसमें आप बिना स्टॉप लॉस के गिरावट में स्टॉक्स को बाय करके चल सकते हैं। तो जब हम बिना स्टॉप लॉस के स्टॉक को बाय करते हैं तो वो हम बाय करते हैं हर डीप पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को, जैसे यहाँ पर गिरावट दिखा था कुछ क्वांटिटी बाय करेंगे, अगर और ज्यादा गिरावट होगा तो कुछ क्वांटिटी बाय करेंगे, और अगर यहाँ पर ऊपर जाने लगा तो फिर कुछ क्वांटिटी बाय करेंगे ऊपर की प्राइस पर। तो मतलब अलग अलग प्राइस पे हम स्टॉक्स को बाय करते हैं जो फंडामेंटली सॉलिड शेयर्स हैं, जो सेक्टर के लीडर स्टॉक है जिसमें कोई बड़ी करेक्शन नहीं हो सकती, मतलब 50% स्टॉक में गिरावट की संभावना जिसमें हमें नहीं दिखती हो, तो वैसे स्टॉक को लेके चलते हैं। तो ये जो स्टॉक्स है काफी बेहतरीन है और आने वाले समय में ऐसे भी इंश्योरेंस सेक्टर काफी ज्यादा परफॉर्म करेगा, और इसका ऑल टाइम हाई जो है 775 रुपीज है, तो ये भी काफी ज्यादा है, यहाँ से हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने मिल सकता है। अगला है हेवल्स, अगर हेवल्स की बात करें तो यहाँ इसका जो सपोर्ट रीजन बनाया है वो 1115 रुपए का, और यहाँ पर आप अगर बाय करते हैं करेंट प्राइस पर तो 1115 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर आप गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करें तो ज्यादा बेटर होगा, तो जैसे यहाँ पर गिरावट दिखाता है मार्केट के साथ थोड़ा बहुत क्रैक्स देखने मिला है तो गिरावट में बाय करेंगे।
फिर यहाँ पर गिरावट में बाय करने के बाद थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाय करके चलना है। हमारा पहला जो टारगेट इसमें लेकर चलेंगे वो 1415 रुपए का लेकर चलेंगे। 1415 जो हमारा इसमें फर्स्ट टारगेट होगा और फिर हमारा 1500 रुपये जो है वो हमारा सेकेंड टारगेट इसमें होगा। अगर 1500 रुपये के ऊपर निकलता है जिसमें काफी लंबा वक्त भी लग सकता है क्योंकि स्टॉक्स अभी साइडवेज मोड में है, तो साइडवेज मोड में है तो हम यहीं पर बाय ऑन लो करेंगे और सेल ऑन हाई करेंगे। तो सेल ऑन हाई कहाँ पर करेंगे, तो ये जो हमारा रेसिस्टेंस रीजन है वो है 1415 रुपये का, इस पर हम सेल करेंगे। और नीचे जो सपोर्ट रीजन है यहाँ पर हम बाय करेंगे। और फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक्स है, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, तो हमें फंडामेंटली इस स्टॉक्स में कोई खास गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी गिरावट में हम थोड़े थोड़े क्वांटिटी को बाय करके एवरेज करके चलेंगे और फिर यहाँ पर सेल ऑन राइज करके चलेंगे। कभी भी ये ब्रेकआउट होता है तो 1500 के रुपया के ऊपर निकलता है, निश्चित रूप से यहाँ पर गजब तेजी देखने मिलेगा। फिर ये स्टॉक्स जो है 2000 के प्राइस लेवल की ओर जा सकता है जिसमें काफी लंबा वक्त लगेगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप गिरावट में बाय करके आप इसको रख सकते हैं। फिर जो अगला स्टॉक्स है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर भी काफी बेहतरीन प्राइस पे ये स्टॉक्स उपलब्ध है, अभी ये भी साइडवेज मोड में है, तो यहाँ पर आप धीरे धीरे इस स्टॉक को भी एक्युमुलेट कर रहे हैं। काफी बेहतरीन स्टॉक, देखिए जैसे आज गिरावट हुआ मार्केट के साथ, तो पिछले दिन के वॉल्यूम से तो ज्यादा वॉल्यूम था लेकिन उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था कि यहाँ से स्टॉक जो है काफी ज्यादा क्रैश हो सकता है, यहाँ से गिरावट भी होगा। तो देखिए ये सपोर्ट रीजन बना के रखा है 2200 रुपए का, 2200 रुपए तक ये स्टॉक्स आ सकता है, तो आप यहाँ पर एक्युमुलेट कर सकते हैं हर गिरावट में इस स्टॉक्स को भी। फिर यहाँ पर हम बात करें जैसे अगर ये 2425 रुपए के ऊपर निकलता है, निश्चित रूप से इसमें काफी गजब की तेजी हमें देखने मिलेगा। फिर ये स्टॉक्स जो है 2850 रुपए की ओर जा सकता है, तो काफी बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले ये स्टॉक्स है, इसको आप बाय करते चलिए हर गिरावट में। और 2200 रुपए के नीचे जो है इसको स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर जो टारगेट रखना है आपको वो 2850 रुपया रखना है। 2850 तक जाए तो आप इसको सेल कर सकते हैं। तो काफी बेहतरीन, काफी फंडामेंटल सॉलिड शेयर्स, अपने सेक्टर का लीडर स्टॉक्स है। पर्सनल केयर कई सारे ऐसे ब्रांड है इस कंपनी के जो की मार्केट को लीड करती है, तो इस स्टॉक को भी आप बाय करके चल सकते हैं। फिर अगला है मुथूट फाइनेंस। देखिए मुथूट फाइनेंस भी काफी जबरदस्त स्टॉक्स है, आप इस स्टॉक्स को भी बाय करके चल सकते हैं। अगर इस स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन है वो 1380 रुपये है, 1380 के नीचे जाता है तो फिर ये स्टॉक्स से यहाँ पर बड़ी करेक्शन दिखा सकता है। वहीं अगर आप इसको गिरावट में बाय करते हैं तो फर्स्ट टारगेट जो आपको लेके चलना है 1550 रुपये का, और जो यहाँ पर सेकेंड टारगेट आपको लेके चलना है वो 1720 रुपये के लेके चलना है। तो हर गिरावट पे इस स्टॉक्स को बाय करते रहिए, 1380 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो हर गिरावट में बाय कीजिए क्योंकि फंडामेंटली ये काफी सॉलिड शेयर्स है। इस स्टॉक्स में गिरावट आपको तभी मिलेगा जब मार्केट में गिरावट हो या तो कोई टेम्पररी न्यूज हो ऐसा जो निगेटिव इम्पैक्ट डाल हो स्टॉक्स पे, तभी ये स्टॉक्स आपको गिरावट में मिलते हैं क्योंकि ये सारे स्टॉक्स फंडामेंटली काफी सॉलिड शेयर्स हैं। तो इस स्टॉक को भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये पांच बेहतरीन स्टॉक्स थे जिसको मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, जिसको आप यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।